आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम दोस्तों आप सीटेट एग्जाम के लेकर प्रश्न लेकर आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, 101 नंबर देख रहे हैं सीरियल से, हम देख रहे हैं बुद्धि में कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अगला जो प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें, तो विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला जो प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो परिवेश का प्रभाव। अगला जो प्रश्न है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है तो क्या प्रयुक्त होती है, तो समाजमिति विधि। अगला जो प्रश्न, सफल साक्षरता के लिए आवश्यक है तो क्या आत्मीयता का स्थान, क्या था आत्मीयता का स्थान। अगला प्रेरक संपादीय से संबंधित है, क्या है मैकडूगल, क्या है मैकडूगल। अगला किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान बुद्धि प्रशिक्षण आदि मनोविज्ञान उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, इसका सही आंसर होगा कार्यात्मवाद। अगला अंतर्दर्शन पद्धति मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा कार्यात्मवाद के द्वारा। अगला किसे खेल प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है, तो इसका सही आंसर है फ्रोवेल के। अगला कक्षा में निरंतर चलने वाले अंतर क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो समूह गतियात्मक कहा जाता है। अगला साक्षार्थ का संबंध किससे है, तो व्यक्ति से व्यक्ति से। अगला व्यवहारवाद किसके प्रशिक्षण पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा इवान पावलोव का। अगला सीखने वालों के लिए आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें, तो इसका सही आंसर कौन बोल लेते हैं, तो क्रो एवं क्रो। अगला शिक्षा में पूर्ण अंश की ओर पद्धति के संप्रदाय के देने, तो इसका सही आंसर है गेस्टलॉट का। अगला जो प्रश्न, मनोविज्ञान में महत्व है, तो निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, बहिर्दर्शन का। अगला अधिगम के नियमों को प्रतिपादित करता है, तो कौन करता है, थॉर्नडाइक ने। अगला जो प्रश्न है कि खेल गीतों एवं उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो किंडरगार्टन पद्धति में। अगला जो प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली में जन्मदाता कौन है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने। अगला जो प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेरकीय संप्रदाय पर। अगला जो प्रश्न है, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायक करती है तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न, अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए, तो इसका बालक वृद्धि एवं विकास के रूप में। अगला, ज्ञान एवं अभिवृद्धि की प्राप्ति है सीखना या परिभाषा किसने दी, तो क्रोब एवं क्रो ने। अगला, आत्मनिष्ठ पद्धति है तो क्या है, अंतर्दर्शन विधि है। अगला जो प्रश्न है, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो उत्कर्षण किस मनोवैज्ञानिक का है, तो जेम्स का है। अगला, अधिगम की प्रभावशाली विधि क्या है, तो करके सीखना अवलोकन विधि व्याख्यान एवं बाद विवाद विधि। अगला, छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी, इसका सही आंसर होगा मनोविश्लेषणवाद ने। अगला, क्रियात्मक संप्रदाय से संबंधित किया है, तो विलियम जेम्स। अगला, कार्यवादी संप्रदाय के संबंधित कौन है, तो ईल थॉर्नडाइक ने। अगला, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लाभ 120 है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा, यदि अंकित की रमेश की अंकित से 2 वर्ष छोटा, अंकित की आयु 12 वर्ष है, तो रमेश की मानसिक आयु कितना होगा, तो 12 वर्ष होगा। अगला, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन को यथोचित रूप से अवलोकन करते हैं। अगला, कथानायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार निर्देशन के समय सीखने के विकास में क्या होता है, कहलाता है क्या है, तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन, जिसे जो क्लास के दौरान ही सीखते हैं। अगला, टॉयलमन ने अधिगम को कितने प्रकार बताया, तो 6 है इसका सही आंसर। अगला, जिस विधि से किसी प्रकार के निदान करना होता है, तो क्या कहते हैं, केस स्टडी विधि। अगला, पुनर्वनन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन देते, चिकित्सात्मक विधि थे। अगला, ईगो एवं सुपर ईगो की अवधारणा कौन देते, तो फ्रॉड के द्वारा दिया गया था। अगला, आत्मनिष्ठा का दोष किसे होता, निरीक्षण विधि में पाया जाता है। अगला, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है, तो उसे कौन सा प्रक प्रकट करता है, तो इसमें सरल रेखा। अगला, 12 अपराधियों का उपचार क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि, वैधानिक विधि। अगला, समस्याग्रस्त बालकों में से कौन से होते हैं, तो वह बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असमान बात होती है जिसके कारण वह समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल में से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगना। अगला, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो अधिगम एवं बुद्धि। अगला, विकास में वृद्धि से तत्पर क्या, कार्य, सोच, समाज, कौशलों में वृद्धि।
परिपक्वता से संबंध क्या है तो विकास से संबंध है। अगला जो तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है तो किशोर अवस्था है। अगला जो प्रश्न है अगला जो प्रश्न क्या देख रहे थे हम अगला जो परिपक्वता का संबंध किससे तो विकास से। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन से तो किशोर अवस्था है। अगला बालक के विकास परिणाम है इसका क्या वंशानुक्रम है और वातावरण के अंतःक्रिया का। अगला जो प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा 120 हो जाएगा। अरे शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है तो स्नायुमंडल है। क्या स्नायुमंडल। अगला श्यामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो अच्छी लिखावट। क्या है अच्छी लिखावट। अगला वह कौन सी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो इसका सही आंसर वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। अगला वह कौन सी जगह जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक अगला जो है वह कौन सी जगह जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक अगला जो प्रश्न है वह कौन सी जगह जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो विद्यालय एवं कक्षा में। तो कहाँ पर होगा विद्यालय एवं कक्षा में बहुत ही बेहतर तरीके से। अगला बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते इसका श्रेय किसको दिया जाता है तो जीन पियाजे को। अगला आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किस 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 के प्रति सचेत होना चाहिए तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और अशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांशता बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं इस कथन किसने कहा था कथन स्ट्रिंग ने कहा। अगला नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कथन किसका तो इसका इसका सही आंसर बुढ़वत का। अगला जो प्रश्न है थर्स्टन 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं विचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया तो इसका संशय सफीर ने। अगला बालक के व्यक्तित्व अध्ययन के मनोवैज्ञानिक विधि है किसका है तो केसल स्टडी का। अगला कौन सा विवेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्रकल्पनों का उपयोग पर बल देता तो असात्म सिद्धांत। अगला अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पर पहले पर करेगा तो असात का। अगला व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा व्यूहात्मक विधि। अगला जो प्रश्न है संबंधवाद व सिद्धांत जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुकूलियों अन्य क्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित समायोजन का कार्य करता है इसका सही आंसर है ऋण का। तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल कहाँ तक ऋण ऋण का देखे थे। अगला जो अधिगम स्थानांतरण में समान तथा विशेष ट्रांस का सिद्धांत किस मैग्नेटिक ने प्रस्तुत किया था इसका सही आंसर होगा स्पीयर मैन। अगला जो प्रश्न हुआ विधि जिसमें खंड एवं पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग होता है तो मिश्रित विधि में। अगला स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया तो ब्लूम ने। अगला जो संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे तो विलियम बुट थे। अगला अपने सिद्धांत का नाम आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया तो WC Bogle ने। अगला जब किसी व्यक्ति का अवलोकन एक निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं नियंत्रित अवलोकन। अगला बुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया तो शब्दावली का। अगला कि किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में अंशदाता क्वेश्चन करता के सम्मुख में बैठता तो प्रश्नों वाली विधि में। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी क्या अपने दोषों को छिपाना तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल।